प्ले बाई सोजान हिल ऑन द फेस ऑफ इट टाइटल्ड ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर नंबर तो इसमें आपने देखा इंट्रोडक्शन में इन द प्रीवियस लेक्चर जो प्ले है देर आर टू मेन क्रैक्टर्स मिस्टर लैम एक बूढ़ा आदमी जो बाग का मालिक है और उस बाग़ में उसका मकान भी है और एक और लड़का उस बाग में आने की कोशिश करता है दीवार के ऊपर से आता है गेट से नहीं आता है छुप के आता है तो इस लड़के का नाम डेरी है डेरी चोर नहीं है लेकिन वो लोगों से अलग रहना चाहता है तनहाई पसंद है क्योंकि उसका चेहरा ख़राब है उसके चेहरे चेहरा थोड़ा बदसूरत है इस वजह से लोग उसे भागते हैं तो वो भी लोगों से दूर भागने की कोशिश करता है अमी आया आव बागस माँ बहन खाम कर अलग बहुत खुला अत्य वह चाची बड़ क्रैक बागुक मलिक तो बात कहान तो मगर उस मिस्टर लैम से बागुक मलिक बड़ स रोब कानीजे अम्बर पथर तो मैं मत ए वाल बे वम या दौार पे गेट खुला है आप गेट से सकते थे तो अब हम आगे देखते हैं कम टू पेज नंबर फिफ्टी सेवन ऑफ़ योर टेक्स्ट बुक फिफ्टी सेवन ऑफ़ योर टेक्स्ट बुक यहाँ पे आ जाइए आप हेयर वी हैव टू स्टार्ट डेरी तो मिस्टर लैम मिस वाना तो इसमें लेक्चर मज़े क्लोज कोर कि हाँ आप को वेलकम है ये आप भी बैठो मैं भी यहाँ बैठना पसंद करता हूँ मैं भी अकेला हूँ आप मेरे साथ बैठो यहाँ पर बात करो तो डेरी चवाना I had not come to steal anything यहाँ पे देखिए I had not come to steal anything मैं कोई चीज छुपाने नहीं आया था बास न चूर करने कस बागस मं तो मिस्टर लैम चुनान नो नो नहीं मैंने नहीं कहा कि आप चोरी करने आए थे द यंग लैद स्टील स्क्रम्प द एपल हाँ जो लड़के हैं लैड्स मतलब छोटे लड़के नौजवान बेटे बच्चे तो आते हैं नौजवान यहाँ पर दे कम टू तो स्टील स्क्रम्प द एपल स्क्रम्प ही हो गया चोरी वो एप्पल छुपाने आते हैं यानी तुम् मेव चूर नम्बर खेन खात यू आर नॉट सो यंग तुम उतने छोटे नहीं हो तुम बड़े हो तुम ज्यादा लकट आसान तो तुम कर मेवस शवस चोर यू आर नॉट सो यंग तुम अभी उतने छोटे नहीं हो तुम तो बड़े हो गए हो तो तुम चोर नहीं हो सकते हो तो डायरी को जवाब दिवा आस्ट वॉट इट टू कम इन मैं सिर्फ यहाँ बैठना चाहता था मैं तो गार्डन बाग में बैठना चाहता था तो मिस्टर लैम छी मिजाज सो यू डिड तो ठीक है तुम आ गए हो कोई बात नहीं हे यार वी आर यहाँ अब हम दोनों हैं देन कोई बात नहीं <coughs> तो डैरी कहता है यू डोंट नो हु आई एम लेकिन तुमको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ तुम मुझको नहीं जानते हो तो जरूरी काता है यासे इंसान उसने यू जानें सो तस क्या माने मानने की कोशिश करा कि मैं जाना कि मैं माना बे तो मिस्टर लैम जवाब देता है अबॉय बॉय तुम एक लड़के हो आर तटीन वो हो रहा तुवा आई आसख ये तो तो कहता है फोर्टीन हाँ मैं फोर्टीन इयर्स का हूँ चौदह वरी मैं वो पॉज पाज मतलब यह रकान कर्न मजा रुकान बताई टू गो ना मगर अब मुझको जाना है गुड बाय चलो ये गुड बाई कर डो म लैम मालिक नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ तुम डरो मत कोई फिक्र नहीं है जस्ट अ गार्डन ये सिर्फ यह गार्डन है यहाँ पर जस्ट मी और मैं हूँ यहाँ पर ये, यहाँ पर कोई गुंडे नहीं है तुमको मारेंगे तो डैरी कहता है बट आई एम नॉट आई एम नॉट अफ्रेड नहीं नहीं मैं डरता नहीं हूँ फौज वो फिर रुकता है पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी लोग मुझसे डरते हैं बहु नगर मे नूख खोसान कम मूजूब अम मूज न क्यों लायक इन अमस बुथ बिचर थोड़ा खराब शक्ल पहन तो तव तुम्हें तो सो लैम बना शुड दैट बी लोग ऐसा क्यों करते हैं क्यों तुमसे लोग डरते हैं तो डायरी जवाब जवान एवरी वन इज़ हाँ हर कोई डरता है मुझसे इट डजेंट मैटर हु दे आर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई छोटा है बड़ा है जवान है बूढ़ा है सर इस मैंने खसा और वोट दे आर वॉट दे से या वो लोग क्या कहेंगे मुझे उसकी भी फिक्र नहीं है और हाउ दे लुक या वो किस तरह मेरी तरफ देखते हैं हाव दे प्रिटेंड या क्या बहाना बनाते हैं आई नो आई कैन सी लेकिन मैं जानता हूँ कि वो मुझसे दूर भागते हैं यानी तुम तुम्हें कहथ रटान या मे दौल वड़ में नफरत नजरे सत्या वु कह ना जो प्रिटेंड गो ही बनाना बहाना बनाना लेकिन मुझसे दूर जाते हैं आई कैन सी मैं ये सब देखता हूँ आ, वो, वो तुम्हें यो मैं तकलीफ वावन तुम तुम्हें यो मैं महसूस कर कम क्या महसूस मगर है आई कैन सी मैं देख सकता हूं कि वो लोग मुझसे दूर भागते हैं तो मिस्टर मिसमान सी वो क्या तुम देख सकते हो क्या तुमको समझ आता है दे थिंक कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं मैं जानता हूं वो अंदर से क्या सोचते हैं हालांकि लोग लू मे वन कहें बुथ खराब या दलील का बदसूरत मगर ंद्र से तुम सोचान रोजा तो बहु चीज महसूस कहान तो मिसम्ब प्रसान वट डू दे थिंक दैन तो तुमको क्या लगता है वो क्या सोचते हैं डरी चुनान यू थिंक हे इज़ अ बॉय जैसे तुम सोचते हो हे इज अ बॉय अं एक लड़का है यू लुक एट मी तुम मेरी तरफ देखते हो एंड देन यू सी माई फेस फिर तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पर पड़ती है बुथ कू थक पुत लागन सोचन हाँ हाँ यू कूत बदसूरत यह क मोकुर् दट तो यही चीज खराब यू सोचान मेकन वट इज अ टबल थिंग और यही चीज बहुत खौफनाक है मेरे लिए बहु स महसूस कह लू मेकन वंदरी पे नफरत कर देट इज द अगलियस्ट थे आई एवर सो तो आज तक जो मैंने देखा है सॉ इज द प पो देट इज द अगलिएस्ट अगली अगली क्या होता है बदसूरत इसका अपोजिट है बूटीफुल बूटीफुल अगली ब्यूटिफुल खूबसूरत अगली बदसूरत तो अगली अग्लियर अगलीएस्ट एडजेक्टिव है तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज है दैट इज द अगलीस्ट थिंग और ये याद रखो बच्चों कि जब जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करें एडजेक्टिव आई एम द आर्टिकल लगान ये द अगलीएस्ट ठीक है दैट द अग्लीस्ट थिंग आई एवर सा तो यही सबसे बुरी बात है जो मैं लोगों में देखता हूँ वो मेरी तरफ देख कर बस एकदम से सोचते रहते हैं यू थिंक पोअर बॉय तुम लोग ऐसा सोचते हैं या आप सोचते हो ओह ये गरीब ये बेचारा लड़का बट आई एम नॉ मगर मैं गरीब नहीं हूँ मैं बेचारा नहीं हूँ नोट पुर अंडर नीथ यू व फ्रेड तो अंदर ही तो मुझको तो कहते हो कि हाँ हाँ यह बिचोर मगर अंदरी चुन तो मे नश इप से अंदर से डरते तुम तुम्हें मैं नजदीखी यून एनी बदी उदबी कम बह पान तोचा पे पानस कन वे आई लुक इन द मिरर जब मैं मिर में देखता हूँ ये बहुश मन पान वस एंड सीट तो पुन बुथ व आई एम अफ्रेड ऑफ मी मैं अपने आप से डरता हूँ मुझको डर लगता है तो ये <coughs> ये बच्चा बेचारा ये लड़का ये कहता बच्चा नहीं है ये लड़का है कम टू पेज नंबर फिफ्टी एट नाउ ऑफ यूर बुक विस्तार तो टॉप से तो मिस्टर लैम कहते नो नोट द होल ऑफ़ यू नोट ऑफ यू नहीं नहीं तुम में कुछ भी डरावना नहीं है ठीक है थोड़ा बहुत अगर है भी नॉट नो नॉट द होल ऑफ यू नहीं तुम सारे बुरे नहीं हो सचिए नो सोरी जिसम खराब के तुम्हारी खसरत ख़राब नहीं है नॉट ऑफ यू तो डेरी कहता है यस हाँ यस हाँ है खराब है तो फिर रुक जाता है डेरी तो मिस्टर लैम कहता है लेटर ऑन वेन इट्स ए बिथ्यूलर तो अब मिस्टर लैम सुछ मिसका डाल आन दफा लेटर ऑन चीर पहन वैन इट्स अ बि कूलर जब थोड़ा ठंड हो जाएगी क्योंकि इस वक्त जहाँ बैठे हैं बहुत गर्मी है तो गर्म हम कर तो लैम कट डालान तो वन पा यु थोड़ा गर्म कम ग थोड़ा ठंडी गई गेट द लैदर तो मैं लाऊ सी डी बह अटिक और एक छड़ी बी एंड फुल डाउन दोज क्रैप एपल पत् वाल पाल बहु एपल क्रप टाइप एपल दे आ रिप फार इट अब वो तैयार हैं यानी अब उतारने हैं आई मेक जेली फिर मैं उनसे जेली बनाता हूँ यानी जूस निकालते हैं हम मिठाई के लिए ठीक तो इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर ये बड़ा अच्छा टाइम है सीज़न सितंबर क्योंकि सितंबर का सीज़न है यानी हरुद लुक एट दैम अब देखो इन सेबों की तरफ ऑरेंज एंड गोल्डन इनका कलर कुछ का ऑरेंज है और गोल्डन कलर गए दैट्स मैजिक फ्रूट और ये बहुत ही जादुई फ्रूट है बहुत अजीब फ्रूट है आई अयोक्न से मैं कहता हूँ बट इट्स बेस्ट पिक एंड मेड इन टू जैली लेकिन अच्छा ये है कि इनको उतारो पिक pick मतलब पिकड बेस्ट पिक इनको अच्छी तरह उतारो एंड मेड इन टू जेली और फिर इनकी जेली बना लो यानी मिठाई में इस्तेमाल करने के लिए ये खुद गिव मी ये हैंड तुम मेरी हेल्प कर सकते हो यहाँ पर मतलब है तुम मेरी हेल्प कर सकते हो यानी ये जो बूढ़ा है ये इसको बहुत इंसानियत से इसके साथ सलूक करता है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम आज इस क्लिप को रोक लेते हैं और कल देखेंगे कि डैरी ने बूढ़े की बात का क्या जवाब दिया क्या वो इसके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है या नहीं तो हमने ये भी सीखा कि एक अकेले पड़े लड़के को इंसानियत की ज़रूरत है जिस तरह लैम्प उससे ट्रीट करते हैं अगर वो उससे आगे झगड़ा करता तुम बाग में क्यों आए हो तुम पर आए हो तुमको किसने बोला दीवार तुम चोर हो ये हो तो वो लड़का और भी बिगड़ जाता तो इस तरह एक अच्छा लड़का और ख़राब होता है यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हम अपने अच्छे सलूक से पन्ने जान सलूक सत प खसलत सत्या अर खसलत सकुन का ख़राब इंसान तो सोद कर तो अच्छा बुरा कोई नहीं होता है हम दुनिया वाले ही उसको बुरा बनाते हैं